धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग 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 धरा पर लाएंगे। शांति। सुन्न अवस्था में रहने वाली संपूर्ण सिविलाइज्ड निर्भय विजयी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे और बनेंगे साहिबजादे सो शहजादे। कौन बनेंगे? जो विक्रमाजीत बनेंगे। कैसे बनेंगे विक्रमाजीत? सुखी, बाप से नजर मिलाने से, बाप को याद करने से, उनके द्वारा पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई पढ़ने से। कोई मुश्किल है क्या इसमें? कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं, सिर्फ एक बाप से ही प्यार करना है, उनकी नजरों में ही समाये रहना है। आज बाबा कृष्ण जन्माष्टमी और शिवरात्रि शिव जयंती के अंतर को भी स्पष्ट करते हैं। बाबा कैसे वंडरफुल रीति से आते हैं, क्या करते हैं हमें पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने के लिए, तो विस्तार से समझेंगे। तारीख है आज 12/7/2024। कर्मों की गुह्य गति को समझने के लिए सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। बाबा कहते हैं याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। अभी बाबा के बच्चे बनो, साहिब के साहिबजादे बनो, और फिर भविष्य में बनेंगे स्वर्ग में शहजादे, प्रिंस बनेंगे, प्रिंसेस बनेंगे। लेकिन कौन बनेंगे? जो अभी यहाँ बाबा के सच्चे बच्चे बनेंगे, साहिब जिन पे राजी होगा, तो बाप का कहना मानने वाले साहिबजादे हमें बनना है, तब बनेंगे हम शहजादे। प्रश्न, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? हाँ, यही तो चाहिए ना सबको कि हम सुखी बन जाएं, दुख दूर हो जाएं। क्या विधि है? उत्तर में बाबा कहते हैं, जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो, तो नजर मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। नजर मिलाना, हाँ, बाबा से नजर मिलाने के काबिल हम कब होंगे? जब श्रीमत पर चलेंगे, बाबा की नजर हम पर पड़ जाए, कृपा दृष्टि बनी रहे। भक्ति में कहते आए ना, भगवान की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। तो क्या कृपा है? बाबा ने हमें रूहानी पाठ पढ़ाया है, हमारे बुलाने पर बाबा आए हैं, तो हमें उनका मान रखना है, ये पढ़ाई पढ़नी है, श्रीमद अनुसार कर्म करने हैं, तब तो दुख दूर होंगे ना। बाबा ने कहा याद करो, पढ़ाई पढ़ो। तो बाबा कहते हैं, जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो, तो नजर मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। बाबा की कोई स्थूल आंखें तो है नहीं, हाँ, बाबा तो निराकार है ना, तो आंखें मिलाना, नजर मिलाना माना सदा बाप की नजरों में रहना, उनकी नजर हम पर पड़ती रहे। उन्होंने जो पढ़ाया वो पढ़ाई करनी है, याद करके शक्ति लेनी है, विकर्मों को भस्म करना है, आत्मा समझ बाप को याद करना है। विक्रमाजीत बनेंगे तो बन जाएंगे सुखधाम के मालिक। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। अपने को आत्मा समझकर बैठो,
बाप फरमाते हैं, शिव भगवान उवाच, माना ही शिव बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, एक ही बाप के बच्चे हो, एक ही बाप से वर्षा लेना है, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो, मुझ अपने बाप को याद करो, तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, ऊंच ते ऊंच भगवान एक ही है, उस सच्चे साहिब के बच्चे साहिब जादे हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती हैं तो सब दुख दूर हो जाते हैं। हाँ, कृपा दृष्टि चाहिए थी ना, देखो बाबा ने कृपा की, ये बाबा की आशीर्वाद है, बाबा आए और हमें पढ़ा रहे हैं और सब दुखों से दूर कर देते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं, क्या अर्थ है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह है याद की यात्रा, इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे, यह है ही दुख धाम, सभी नर्कवासी हैं, तुमने बहुत पाप किए हैं, इसको कहा जाता है रावण राज्य, सत्यों को कहा जाता है राम राज्य, तुम ऐसे समझा सकते हो, भल कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़ी है, कितनी भी आत्माएं हो, बाबा कहते हैं सबको अथॉरिटी से सुनाओ। तुम तो भगवान उवाच कहते रहते हो, शिव भगवान उवाच, हम सब आत्माएं उनकी संतान हैं, ब्रदर्स हैं, बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे, न इतनी रानियां ही थी, श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है नाम ही बदल जाता है, हाँ ऐसे कहेंगे लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे, राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डायनेस्टी चलती है, तुम बच्चों को अब मामेकम याद करना है, देह के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। तो पुरानी दुनिया, हाँ पुरानी देह, देह के संबंध, पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, सबसे बुद्धि योग हट जाए, ये सब जो देह के धर्म है ये छोड़ना है और बाबा को याद करना है। बाबा कहते पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं, नर्क में अथाह दुख है, सुख का नाम निशान नहीं, ऐसे युक्ति से बतलाना चाहिए। शिव भगवान उवाच, हे बच्चों इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनो, मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, पावन होते ही हैं सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर बनना है, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है, गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, हम हैं ब्राह्मण चोटी, विराट रूप भी है ना, पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े, ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, अभी एक मुरली चली थी ना, बाबा ने बताया ना, ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, देवताएं हैं ही सतयुग में, ब्राह्मण बेहद का मन हो जिनका, हाँ तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, देवताएं हैं ही सतयुग में, सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं, कलयुग में अपरम अपार दुख है, सब दुखी हैं, दुखों की लिस्ट निकाली, कल बाबा ने कहा था ना दुखों की लिस्ट निकालो, इतने दुख हैं कि कागज भी कम पड़ जाएगा। हाँ तो बाबा कहते हैं कि कलयुग में अपरम अपार दुख है, सब दुखी हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो, यह है रावण राज्य, यह रावण भारत का नंबर वन दुश्मन है, हर एक में 5 विकार हैं, सतयुग में कोई विकार नहीं होते, वह है पवित्र गृहस्थ धर्म, अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं और भी गिरने हैं, अभी दुख का रोना रोते हैं तो अभी तो
छोटे मोटे कंकड़ पत्थर हैं, अभी तो पहाड़ गिरेंगे, क्या होगा फिर? यह इतने बॉम्ब शादी बनाते रहते हैं, रखने लिए थोड़ी है, शोपीस थोड़ी है, यूज तो करेंगे, बहुत रिफाइन कर रहे हैं, फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा। देखो कोई भी नई चीज़ बनाते हैं तो फिर उसको टेस्ट करते हैं। बाबा कहते हैं रिहर्सल करेंगे, रिफाइन बना दिया। हाँ, मौत को भी देखो आसान कर दिए, सेकंड में धरती खाली हो जाए, इतना सामान बना के रखा है। तो बाबा कहते हैं बहुत रिफाइन कर रहे हैं, फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा। अभी समय बहुत थोड़ा है, ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। अब तो समय आ गया पूरा होने को, कौन सा पल आखिरी पल हो पता ही नहीं है। पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो हमेशा पहले पहले कहना है शिवाय नमः, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वह और कोई की नहीं हो सकती। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है, श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सत्वप्रधान ही होते हैं, बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती, विकारी नहीं होते ना। तो श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं मक्खन खाते थे, यह करते थे, यह तो महिमा के बदले और ही ग्लानी करते हैं। कितना खुशी में आकर कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, खुश होकर कहते हैं कि सब जगह ईश्वर है, खुश होकर कहते हैं कि श्री कृष्ण ने मक्खन चुराया, गोपियों के कपड़े चुराए, भगाया, तो ये सब क्या है? बाबा कहते हैं कि महिमा के बदले ग्लानी करते हैं। क्या कहते हैं? कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है। कैसा है देखो, सबके अंदर अभी शैतान है, कहते हैं भगवान है, तेरे में भी, मेरे में भी, मैं भी भगवान, तू भी भगवान, फिर भी सब है परेशान। भगवान होते हैं कभी परेशान? तो यह बड़ी भारी ग्लानी है, परंतु तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है जिनका नाम ही है कल्याणकारी शिव, सर्व का सदगति दाता। वह निराकार बाप सुख का सागर, शांति का सागर है। अब इतना दुख क्यों हुआ है? क्यों इतना दुख है? क्योंकि रावण राज्य है, रावण है सबका दुश्मन, उसको मारते भी हैं परंतु मरता नहीं। रावण क्यों नहीं मरता है? कैसे मरेगा रावण? योग अग्नि से ही रावण जलेगा। हाँ, तो रावण कौन है? पांच विकार और प्रकृति के पांच तत्व, इन पर जीत पानी है। प्रकृति जीत बनना है, निर्विकारी बनना है, तो योग अग्नि से रावण को जलाना है, भस्म करना है, विकारों को भस्म करना है। तो बाबा कहते हैं रावण है सबका दुश्मन, उसको मारते भी हैं परंतु मरता नहीं। यहाँ कोई एक दुख नहीं है, अपरम अपार दुख है। सतयुग में है अपरम अपार सुख। 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे और यह वर्षा बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो आकर करते हैं ना, एक्यूरेट करते हैं, तब तो महिमा गाई जाती है। भगवान कभी तो आए, कुछ तो किया, तभी याद करते हैं ना। शिवरात्रि भी कहते हैं, फिर है श्री कृष्ण की रात्रि। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझना चाहिए। शिव तो आते ही हैं बेहद की रात में, श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, न कि रात्रि को। शिव की रात्रि मनाते हैं परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले, अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है, जबकि सिमरन भी कर सके। तो जब अज्ञान अंधकार था तब शिव बाबा आते हैं और ज्ञान देते हैं, तो देखो फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है, माना प्रिंस। संगम पर वही आत्मा ज्ञान लेती है और फिर स्वर्ग में आते हैं शहजादे बनकर। तो अमृत वेला, प्रभात, ब्रह्म मुहूर्त,
शुभ मुहूर्त है ना। तो बाबा कहते हैं प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है, जबकि सिमरन भी कर सके। ऐसे थोड़े ही 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे, बिल्कुल नहीं। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता, उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़े ही कोई उठता है, 3-4 बजे का समय अमृत वेला है, उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। यह टाइम तो मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वह कोई समय है नहीं। तो तुम श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हो, शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। बाबा किस क्षण आते हैं, कब प्रवेश किया पता नहीं, हाँ कब आते कब चले जाते बाबा ही जाने, बाबा जाने। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की वेला तो निकाल सकते हो, हाँ शिव बाबा आए, शिव जयंती हुई, गीता जयंती हुई, तब तो श्री कृष्ण जयंती हुई ना। तो बाबा कहते हैं यह तो खुद ही आकर समझाते हैं, शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते क्योंकि निराकार है। तो बाबा कहते हैं यह तो खुद ही आकर समझाते हैं, तो पहले पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की, गीत पिछाड़ी में नहीं पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था, वहाँ अपरम अपार सुख थे, अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया, अरे अभी तो नर्क है, स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सके। समझाना चाहिए, हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, वह सिर्फ 15 मिनट में तो नहीं समझा सकते, इसमें तो टाइम चाहिए। पहले पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते हैं, बेहद का बाप जो दुख हरता सुख करता है उनका परिचय देते हैं। वह हम सब आत्माओं का बाप है, हम भी के सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हो, स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता, शिव जयंती होती है जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता है। देखो भक्ति में जो कुछ भी होता है सब अभी क्या है, संगम युग की यादगार है। तो यह गीता एपिसोड चल रहा है, नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख रहे हो, इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है, इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। तो अब तो साइंसदान भी कह रहे हैं ना कि अब तो दुनिया विनाश के कगार पर है। हाँ देखो मूवीज बन रही है, दिखा रहे हैं, है ना, बॉलीवुड में भी बन रही है, गॉडलीवुड में भी बन रही है, अब हॉलीवुड की आएगी फिर सब मानेंगे। तो बाबा कहते हैं अथाह दुख है, लड़ाई, मौत, विधवापना, जीव घात करना, ये सब दुख है ना, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, किसी की मौत हो जाती है, अकाल मृत्यु होता है, एक्सीडेंट होता है, विधवा हो जाते हैं, जीव घात करते, जिसको कि आत्महत्या कह देते हैं, तो ये सब क्या है, दुख है। सतयुग में तो अपार सुखों का राज्य था, यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो जरूर वहां ले जाना चाहिए। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं, इन्होंने कैसे यह जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो यह बने, कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, हाँ खाता नहीं है, हिसाब किताब नहीं बनता, यहाँ तो रावण राज्य होने कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं, इसलिए इसको पापात्माओं की दुनिया कहा जाता है, विकारों के अधीन होकर जो कर्म करें तो वो विकर्म। और अभी संगम पर हम क्या कर सकते हैं, श्रीमत पर सुकर्म कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि रावण राज्य होने के कारण यहाँ पर जो कर्म है वो विकर्म बन जाते हैं, इसलिए इसको पापात्माओं की दुनिया कहा जाता है। लेन देन भी पापात्माओं से ही है, पेट में ही बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं, हाँ माँ बाप फिक्स कर देते हैं, लड़का हुआ और आपके लड़की हुई तो ऐसे सगाई,
हाँ अब देखो, अब तो क्या है, कितने दिन सगाई चलती, अब तो ये भी नहीं पता। अब तो घोर कलयुग है, हिसाब किताब सबका पूरा हो रहा है। सगाई क्या, शादी क्या, कितने दिन चले पता नहीं। तो बाबा कहते हैं पेट में ही बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं, कितनी क्रिमिनल दृष्टि है। यहाँ है ही क्रिमिनल आइज्ड। हाँ अभी मुरली चली थी, सिविलाइज्ड और क्रिमिनल आइज्ड। सत्य को कहा जाता है सिविलाइज्ड। यहाँ आंखें बहुत पाप करती हैं, वहाँ कोई पाप नहीं करते। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह तो जानना चाहिए ना। दुख धाम सुख धाम क्यों कहा जाता है? सारा मदार है पतित और पावन होने पर, इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसको जीतो तो जगत जीत बनेंगे। पहले पांच तत्वों के शरीर को जीतो, प्रकृति जीत बनो, फिर विश्व जीत जगत जीत बनेंगे। आधा कल्प पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवता थे, अब तो भ्रष्टाचारी हैं। एक तरफ कहते भी हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको श्री श्री कहते रहते, जो आता है वह बोल देते हैं। हाँ श्री 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 1008 सदगुरु, और देखो क्या क्या टाइटल हैं सबके, क्या क्या नाम हैं। तो जो समझ में आता है बोल देते हैं, यह सब समझना है। अब तो मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुख धाम के मालिक बनेंगे। अभी तो है ही दुख। कितना भी वे लोग कॉन्फ्रेंस करें, संगठन करें, परंतु इनसे कुछ होना नहीं है। कितने भी कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन, संगठन कर ले, सभाएं कर ले, महासभा कर ले, कुछ नहीं होगा। सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा कर रहे हैं। तुमने पुकारा है पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हुआ हूँ। कब आता है समय बाबा का? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो इसका अर्थ भी नहीं जानते। युगे युगे कह देते हैं, युगे युगे तो आते नहीं बाबा, बाबा तो पूरे कल्प में एक बार आते हैं संगम युग पर। तो बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित हैं, अब बुला रहे हैं पतित पावन आओ, मना पतित हैं। बाप कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया है, अब मैं पावन बनाने आया हूँ। वह पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। पांच विकार सब में है, अपरम अपार दुख है, सब तरफ अशांति ही अशांति है। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ। जो मुझे सर्वव्यापी कह मेरा अपकार करते हैं, ऐसे ऐसे का भी मैं उपकार करने आता हूँ। बाबा तो सबको सदगति देते हैं ना, तो देखो अपकारी पर भी उपकार करते हैं। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित रावण की दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ। मुझे भी रथ तो चाहिए ना, पावन रथ तो चाहिए नहीं। रावण राज्य में है ही पतित, पावन कोई है नहीं, सब विकार से ही पैदा होते हैं। यह विशेष वर्ल्ड है, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? पतित पावन तो मैं ही हूँ, मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन राजयोग यह है। आएंगे भी जरूर गृहस्थ मार्ग में, कैसे वंडरफुल रीति आते हैं। यह पिता भी है तो माँ भी है, क्योंकि गौमुख चाहिए जिससे अमृत निकले। प्रजापिता ब्रह्मा और फिर ब्रह्मा बेहद की माँ, तो पिता भी है माँ भी है, क्योंकि गौमुख चाहिए जिससे अमृत निकले, तो ज्ञान अमृत। तो यह मात पिता है, फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को हेड रखा है, उनको कहा जाता है जगत अम्बा। अब ब्रह्मा बाबा मेल बॉडी में, तो फिर संभालने के लिए फीमेल बॉडी सरस्वती ओम राधे, है ना, जगत अम्बा। काली माता कहते हैं, ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या? श्री कृष्ण को काला कर दिया है क्योंकि कामचिता पर चढ़ काले बन गए हैं। श्री कृष्ण ही सांवरा फिर गोरा बनता है। इन सब बातों को समझने लिए भी टाइम चाहिए। कोटों में कोई
कोई में भी कोई की बुद्धि में बैठता होगा, क्योंकि सभी में पांच विकार प्रवेश हैं। तुम यह बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है, ऐसा मौका लेना चाहिए। निमंत्रण देके अनेक संस्थाओं से सबको बुलाते हैं ना, तो बाबा बोले ऐसा अवसर ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। हाँ, अब तो खैर निमंत्रण देके बुलाते हैं, स्पेशली बुलाते हैं, चीफ गेस्ट बनाते हैं, लेकिन ये तो साकार मुरली है। तो बाबा कहते हैं जब भी अवसर मिले तो मौका लेना चाहिए, सुनाना चाहिए सबको, बाबा का संदेश देना चाहिए, परिचय देना चाहिए। ऑफिशियल सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते हैं। नहीं सुनना है तो शांति से चले आओ, आवाज न करो। हाँ, कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो बाबा कहते हैं कि मत बोलो, मत पूछो। कोई भी ऑफिशियल गैदरिंग होती है, कोई असेंबली है, कोई सभा है, तो उसमें बीच बीच में तो नहीं टोकना चाहिए ना, स्पीकर जो बोल रहा है उसकी बात पूरी सुननी चाहिए। और बाबा कहते हैं नहीं सुनना है तो शांति से चले जाओ, आवाज न करो, ऐसे ऐसे बैठ समझाओ। हाँ, बता सकते हैं, ये तो परमात्मा ने कहा है, हम सत्य सुना रहे हैं, अब जिसको मानना है मानेंगे, सुनना है सुनेंगे, नहीं तो शांति से बैठे चले जाएं। अभी तो अपार दुख है, क्या समझाना है, अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं, हम बाप को रचना को जानते हैं, तुम तो किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया था यह तुम नहीं जानते हो, आओ तो समझाएं। 84 जन्म कैसे लेते हैं, 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्यात्मा बना देंगे। देखो अब तो ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं। हाँ, अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है वह बुद्धि में रख, पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करने हैं। दूसरा, श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। वरदान, नॉलेजफुल बन सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को, यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। नॉलेजफुल बन सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को, यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। बाप दादा समझाते हैं जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या, क्यों के अनेक प्रश्नों में चले जाते हो। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या, क्यों के अनेक प्रश्नों में चले जाते हो। प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना। बाबा कहते हैं ना प्रसन्न चित्त हो, प्रश्न चित्त नहीं, प्रश्न चित्त है तो परेशान। नॉलेजफुल बन यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा, इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। एक बात में क्यों क्या करते हैं, कितनी लंबी बातें होने लगती हैं। हाँ, व्यर्थ कितना बढ़ते जाता है। बाबा कहते हैं सबको, सब प्रश्न जो है व्यर्थ है, नेगेटिव है, सबको यज्ञ में स्वाहा कर दो, इससे खुद का भी टाइम बचेगा और औरों का भी टाइम बचेगा, जिससे निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। बाप पर निश्चय हो, खुद पर निश्चय हो, ड्रामा पर निश्चय हो, परिवार पर निश्चय हो। हाँ, और विजयी तो हम पहले भी थे, हम ही हुए थे विजयी, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा, फिर क्या बात है परेशानी की। जब निश्चय और ये विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब ये शान में रहेंगे, इस स्वमान में रहेंगे कि मैं विजयी आत्मा हूँ, तो फिर कभी भी परेशान नहीं होंगे। इसलिए सब कुछ व्यर्थ जो कुछ भी है उसको यज्ञ में स्वाहा कर दो, बाबा को समर्पित कर दो और बन जाओ निर्विघ्न। स्लोगन, सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। क्या
क्या ऑक्यूपेशन बताया बाबा ने हम ब्राह्मणों का, सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। तो खुद भी उत्साह में रहो, औरों को भी उमंग उत्साह में लाओ। बाबा कहते हैं यही धंधा है, यही कर्तव्य है, अब यही काम करना है। तो ये थी आज की मुरली। आज की मुरली से 5 शब्द याद रखेंगे। पहला शहजादा, क्या शब्द याद रखेंगे? शहजादा। दूसरा शिव जयंती। तीसरा नजर। चौथा निर्विघ्न। और पांचवा उत्साह। शहजादा, शिव जयंती, नजर, निर्विघ्न और उत्साह। ओम शांति।